अभी देखिए ये मतलब शाम का टाइम था और तो मुझे ना कुछ सोच ही नहीं रहा था मैं क्या करूँ। बैठ आज कोई काम नहीं था उतना मेरे पास। सुबह में भी हल्का फुल्का से ही खाना बनाया था मैंने, फिर सो गई थी और तबीयत ठीक नहीं थी। बोल रही थी ना कि बारिश की वजह से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने उतार के, बारिश हो रही थी, सारे कपड़े उतार के मैंने रख दिए थे और यहाँ पे लग गई थी अपने काम में। तो ये मैदा ला के रखे थे सुबह में और ठेकुआ बनाने के लिए काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, तो फिर मैं ये डालते जा रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे ये तेल ना, मतलब ये डालडा घी ला के रखे थे बहुत, एक महीना से भी ऊपर ही हो गया है, तो कब से बोल रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ। फिर सारे ड्राई फ्रूट को फिर से फिर मैदा में मोइन दिया डालडा घी का, और उसके बाद और भी ऊपर से खड़े वाले ड्राई फ्रूट थे ना वो भी मैंने डाल दिया। फिर चीनी को पीस के डाला। फिर मुझे लग रहा था ना कि इसको डालडा में ना करके इसको रिफाइन ऑयल में फ्राई करती हूँ, और डालडा से तो मैंने मोइन दे दिया था, तो फिर इस ये रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था मेरा। तो फिर मैंने नया पैकेट निकाला और डब्बे में डाला इसको, और जितने बच गए थे उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, और इसको ना आटे की तरह नहीं सानना है, इसको हाथ से ही फटाफट से हो जाएगा। फिर गैस भी मैं जला लेती हूँ ताकि मतलब ये मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा और मैं अपने काम पर भी लग जाऊँगी यहाँ फटाफट से। तो इसमें मैंने मोइन दे दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है, और जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट होते हैं ना वो सभी डाल दिए इसमें, और नारियल वगैरह सब पीस के ही डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैं दूध लाई थी तो दूध को भी गर्म कर लिया है, और इसमें भी ना थोड़ा सा चीनी डाल दिया मैंने क्योंकि पानी वगैरह से नहीं करना है मुझे। तो एक पैकेट दूध लाई थी, इसको चीनी डाल के थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, तो उसी से मैं इसको अच्छे से मथ दूँगी। तो ये मेरा ना बहुत अच्छा बना था मेरा, मतलब मैंने कभी बनाया नहीं था इस तरह का ठेकुआ। ऐसे तो नॉर्मली पूजा के लिए बनाती हूँ ना, तो जैसे हनुमान जी का वो रोट वगैरह चढ़ता है ना तब, तो उसमें उतना नहीं, वो तो मामूली सा सिर्फ चीनी डाल के और दूध से वो कर लेती हूँ बस। और लेकिन इसमें ना मुझे एकदम बहुत प्रॉपर अच्छा से ही बनाना है। तो इसमें देखिए दूध है ना थोड़े थोड़े ही डाल रही हूँ, कहीं गिले ना हो जाए, और घी इतना ज़्यादा डाल दिया था ना कि बहुत ज़्यादा खस्ता हो गया था, फिर मुझे फ्राई करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे ना मोबाइल सेट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का हाथ से इसको वो करके गोल गोल इसको डालते जाऊँगी, और दूध अभी जितना मुझे ज़रूरत था उतना मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बारिश ना इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना सुबह, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा पूरे काम करते करते ना पूरा भीग गई थी, और अभी भी मौसम ख़राब हो रखा है, अभी भी बारिश हो गई होगा। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट से ये बना लूँ, फिर उसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है, तो ये बन जाएगा उसके बाद मैं अपना रोटी बना लूँगी। तो इसको देखिए फ्राई करने में ना ये मुझे डर भी लग रहा था, कहीं टूट जा रहे थे मेरे, मतलब इतना ज़्यादा खस्ता हो गया था ना, तो ये फ्राई करते करते ही टूट जा रहा है। और बहुत अच्छा बना था खाने में, मतलब इतना सॉफ्ट बना था ना क्या ही बताऊँ, हाथों से ऐसे तोड़ा ना तो मतलब ये तो तलते तलते ही टूट जा रहा है। तो बस इसको ऐसे हल्के हल्के आँच में मुझे और आराम आराम से मुझे निकालना है। तो और इसको ना मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ चार चार पीस करके ही डाल रही थी। और पसीना देखिए बारिश हो रही है फिर भी मुझे इतना पसीना आ रहा है, और मतलब जब गैस के सामने खड़े हो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे, और इतना ज़्यादा मेरा चेहरा पसीना से भर जाता ना कि क्या ही बताऊँ। और मौसम देखिए पूरा बारिश का ठंडा मौसम हो रखा है, फिर भी मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये देखिए इस तरह का मैंने अभी इसको करके हाथों से ही इसको इस तरह करके मथते जा रही हूँ ताकि ये मतलब, और चीनी को वैसे पीस के डाला था और इसलिए बड़े कढ़ाई होते ना तो फटाफट से निकल जाता, लेकिन ये छोटे कढ़ाई है तो इसीलिए, और जब मौसम ख़राब होता है ना तो अंधेरा हो जाता पता नहीं क्यों, लाइट है ना बंद हो जाती है। फिर कैसे ना कैसे करके मैंने पूरा मतलब फ्राई कर लिया था जितना भी मेरा ये था ना, फिर जितने बर्तन थे, फ़िलहाल तो मैं इतने बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है, लाइट देखिए उधर की चली गई है, बिजली वगैरह कड़क रही थी ना तो लाइट बंद हो जाती है, फिर अपने आप जल भी जाएगा। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 5:15 ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने धो लिए हैं बनाने के बाद, और लाइट भी उधर की चल गई नहीं है, बस अंधेरा हो गया बस। तब फिर मैंने सोचा कि फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ, बारिश का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बारिश हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैंने आटा लगाया,
आटा लगा के रख दिया। रवि मैं ये ठेकुआ ना जो मैंने बनाया था ना, इसको भोग लगा दिया है भगवान जी को, और उसके बाद ये टिफिन है, और इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ। ये सुबह ही मैंने मांज धो के रख दिया था, तो इसको अच्छे से कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ के फिर इसी में डाल के रख दूँगी, और उसके बाद ही मैं अपना दूसरे काम पे लग जाऊँगी। तो ये देखिए इतना बना था मेरा, और जितना पूरा चार खन का ये टिफिन है चारों में ही भर गया था, पूरा डालते डालते ना चारों में ही मेरा भर गया था। तो बस जितना मुझे समझ में आ रहा था तो इसी में मैंने रख दिया, क्योंकि मेरे पास डब्बे वगैरह है लेकिन वो खाली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है, तो फिर मेरे पास ये टिफिन ही था, तो बस मैंने इसी में सारे ठेकुआ जो मैंने बनाए थे सब इसमें भर दिया। तो ये चारों में भर गए थे, उसके बाद थोड़े से और बच गए थे और ये बंद ही नहीं हो रहा था, जैसे तैसे मैं भर रही थी, और जो बचेंगे ना उसको अलग रख दूँगी छोटे से डिब्बे में। और ये देखिए इतना खाली खाली है फिर भी ये बंद नहीं हो रहा था, फिर इसमें से और एक दो ठो निकाला मैंने, उसके बाद ही ये मेरा बंद हो पाया। और ये देखिए पूरा एकदम मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। इसमें से मुझे काफ़ी मेहनत से बनाया था, इसलिए तो मतलब टूटे ना, इसलिए आराम आराम से पूरा इसको जैसे हुआ वैसे मैंने इसको बंद करके रख दिया है। फिर उसके बाद इधर आ गई थी, फिर रोटी बनाने में लगी, फिर रोटी वगैरह बना लिया था मैंने, 10-15 मिनट लगे थे मेरे, रोटी भी बन गई मेरी। और उसके बाद ये छोले मैंने बनाए थे ना, कल छोले बनाए थे तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी बचा के रख लिया था। तो इसको ना कपड़े से पोंछ दिया है, मतलब भीगा वो तो था ही, कपड़े से अच्छे से पोंछ के फिर इसी कढ़ाई में मैंने फ्राई कर लेती हूँ, जिसमें अभी ठेकुआ बनाया था ना तो थोड़े से तेल बच गए थे और उसी में फ्राई कर ली। तो यहाँ पे जीरा लिया है, जीरा को थोड़ा सा भून के पीस के इसी में नमक मिर्ची के साथ मैंने मिला दिया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है चनाचूर की तरह। तो ये छोला को मतलब जितने भी मेरे पास मसाले थे, जैसे नमक मिर्च गरम मसाले, जीरा को भून के डाल दिया, फिर डालने के बाद इसको मिक्स करके रख देती हूँ, चाय वगैरह के साथ वैसे भी अच्छी लगती है खाने में। और उसके बाद मेरा कोई काम ही नहीं है, सब्जी मेरी सुबह की पड़ी हुई थी। और यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने बना के रख दिया है, और फिर भी अब बादल है ना इतना ज़ोर ज़ोर गरज रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और अभी बारिश होगी अभी दिखाऊँगी मैं इस, ये अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए हैं। और इस वीडियो को ये एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखिए ये करने के बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे इतना ज़ोर बारिश हुआ था ना कि ये पूरा भीग गया मेरा मोटर वगैरह सब कुछ। अगर मैं थोड़ा सा भी वेट करती ना तो यहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल था मेरा, खाना पीना ये सब।